नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और खास वीडियो में। किसान साथियों, गन्ने की फसल हो या कोई और भी फसल क्यों ना हो, खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है फसल के उत्पादन पे। हम चाहे कितना भी अगेत्ता गन्ना लगाएं, अगर उसमें खरपतवार ज्यादा हो जाएंगे तो किसान भाइयों उसका ब्यांत अच्छा नहीं होगा। जितने खाद हम जमीन में देंगे वो ज्यादा से ज्यादा खरपतवार पी जाते हैं और फसल हल्की रह जाती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ किसान जल्दी में फसल बो देते हैं कि भाई हम तो सबसे पहले बोएंगे, लेकिन दूसरे कामों में लगे रहते हैं। उस टाइम पे गेहूं भी आ जाता है, गन्ना भी खड़ा रहता है किसान का, और वो खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाते और इतना ज्यादा खरपतवार हो जाता है कि किसान की जो अगेती फसल है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। किसान भाइयों, इसीलिए किसान साथियों, हमें समय समय पर गन्ने में खरपतवार नियंत्रण जरूर करना चाहिए। शुरुआत में तो सारे काम बंद करके उसको निराई गुड़ाई करें, और अगर हाथों से निकल जाए खरपतवार तो बहुत अच्छी अच्छी दवाएं भी हैं, एक बार को वो खेत को सुखा देती है, जितने भी खरपतवार है गन्ने पे असर नहीं आता, और उसकी फिर हम निराई गुड़ाई कर दें तो हमारा गन्ना संभल जाता है। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि समय पे पहले पानी पर ही निराई गुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। एक तो समय हो गया शुरुआत का, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम समय समय पे 3 बार गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर लें तो ये तक देखा गया है कि किसानों के खेत अलग ही होते हैं उनके। अब जैसे ये समय चला हुआ है किसान साथियों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में भी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अनुकूल रहता है गन्ने की फसल के। अगर हम इस समय पे खेतों को बिल्कुल क्लीन कर दें किसी भी दवा से, जैसे अब गन्ना बन चुका है, पोरियां बन चुकी हैं, और इस समय पे अगर हमारी कोई फसल पिछड़ी हुई है, कोई खेत पछेत्ता पिछड़ा हुआ है या अगेत्ता ही क्यों ना पिछड़ गया हो, इस समय पे खरपतवार बिल्कुल समाप्त करके उसमें यूरिया ही डाल दे किसान भाइयों, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट उस यूरिया के एक बैग का भी आपको फसल पे देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि दवाएं बहुत महंगी है, और इस समय पे अगर हम लेबर लगा के खरपतवार नियंत्रण करें बड़े बड़े गन्ने में तो बहुत पैसा लगेगा। तो मैं आज आपको एक बहुत सस्ती दवा बता रहा हूँ किसान भाइयों, जो एक बार को बिना गन्ने पे असर लाए बिल्कुल खेत को क्लीन कर देगी। 5 बीघे में किसान भाइयों केवल 200 से 300 रुपए के अंदर आपका खर्च आएगा, और खरपतवार चाहे दूब हो, मोथा हो, या जो चिपकने वाला बहुत ही जटिल घास होता है उसको भी किसान भाइयों ये दवा पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी। लेकिन सिर्फ ध्यान ये करना कि इसको हम उस खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पोरिया पड़ चुकी हो। किसान भाइयों, इस दवा को हम शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि ये सारे खेत को जला देगी, लेकिन इस समय पे जब गन्ने में पोरिया बन चुकी हैं हमें इसका डबल लाभ मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि ये नॉन सिस्टमिक दवाई है किसान भाइयों, पौधे में बिल्कुल नहीं चढ़ती। अगर एक पौधे पे आपने इसका छिड़काव करा और आधी पत्ती पे कर दिया, आधी पे नहीं करा, तब भी इसका कोई बुरा असर नहीं आएगा, केवल जिस पत्ती पे लगी है उसी को ये जलाएगी। तो किसान भाइयों मैं बात कर रहा हूँ पैराक्वाट डाइक्लोराइड के बारे में। ये दवाई आपको सब जगह मिल जाएगी। सावधानी इसमें यही है कि ये हरी चीज पे ना लगे, जैसे गन्ने में पोरियां बनी हुई हैं, इस समय पे आप इसको प्रति टंकी आप 80 ml से 100 ml डालिए और अपने खेत में बिल्कुल बेधड़क इसको छिड़काव कर दीजिए। जितना भी खरपतवार आपके खेत में है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, सारा जल जाएगा। गन्ने की पोरियों से ये पौधे में नहीं चढ़ेगी, गन्ने की पोरियों की आंखें खराब नहीं होंगी, चाहे आपका पौधा गन्ना ही क्यों ना हो। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में कोई छोटा मोटा पोगा निकला हुआ है, कुछ किसानों का सवाल यह है कि भाई छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं इस समय, उनका क्या होगा? अगर किसान भाइयों वो जल भी जाते हैं तो इस दवाई का करिश्मा ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि ये नॉन सिस्टमिक है, ये ऊपर से ही उस छोटे से पौधे को जलाएगी जो पोगा निकलता है खेत में, और वो दोबारा से एक की जगह दो बन के निकलेगा, क्योंकि ऊपर से वो जलेगा एक बार और दोबारा से वो दो निकलेगा। ये जड़ पे नहीं जाएगी, किसी भी तरीके का नुकसान आपकी फसल को इससे नहीं मिलेगा। ये जमीन में नहीं चलती दवाई बिल्कुल भी, और एक बार खेत में नमी बनाइए, प्रति टंकी आप इसको 80 से 100 ml डालिए, और किसान भाइयों खूब बेधड़क आप गन्ने में लगा दीजिए। बस ध्यान यही करना कि ऊपर पत्तियों पे ना लगे। और ये जो समय होता है गन्ने का, इस समय पे सबका गन्ना बंधा हुआ है ज्यादातर, पिछले
95%, और जो छोटा खेत भी है जो बंधन ही है उसमें भी पोरियाँ बनी रहती हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक बार सावधानी फिर बता देता हूँ, छोटे गन्ने में ये नहीं लग सकती। पैराक्वाट डाइक्लोराइड सस्ती दवा है, 400 से 500 रुपए लीटर में आपको मिलेगी। 500 ml प्रति एकड़ अगर आप लगाएंगे यानी 200 से 300 रुपए के बीच में पूरा खेत आपका क्लीन हो जाएगा। और इस समय के लिए ये दवा बिल्कुल बेस्ट है, या मैं यूँ कहूँ कि गन्ने की फसल के लिए ये दवा बिल्कुल बेस्ट है। किसान भाइयों, तीन समय है गन्ने के, अगर हम इन तीनों समय में खरपतवार अपने खेत से समाप्त कर ले तो हमारे खेतों में खरपतवार होने ही बंद हो जाएंगे। जो जटिल घास है, जैसे शुरुआत में हम निराई गुड़ाई शुरू करें, उसके बाद एक स्प्रे जब गन्ना हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 70-80 दिन की फसल हो जाए, या तब तक हम मिट्टी चढ़ाते हैं, बहुत सारे किसान उस समय तक खेतों में खरपतवार होने भी नहीं देते। अगर हो भी जाएं तो आप उसमें कोई भी 1400 से 1500 रुपए की दवा एक बार ज़रूर लगा दें। दो बार समाप्त हो गया, और तीसरी बार इस समय पर अगर हम खरपतवार समाप्त कर लें तो किसान भाइयों हमारे खेतों में ज़्यादा घास होनी ही बंद हो जाएगी। और ये जो जटिल घास हैं जो बहुत ज़्यादा खाद को खींचते हैं वो हमारे खेतों में होने बंद हो जाएंगे और हम एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये दवा सिर्फ तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब गन्ने में पोरिया बन चुकी हो, पत्ती पे नहीं लगनी दवाई, बाकी कोई भी दिक्कत आपके गन्ने में नहीं आएगी, कैसी भी दिक्कत, ना ही बढ़वार रुकने की, ना ही आँख खराब होने की। और सबसे बड़ी बात, चाहे कितना भी जटिल घास क्यों ना हो, ये सब को जला देती है और नॉन सिस्टमिक दवाई है, बिल्कुल भी खेत में नहीं चढ़ती। इसके साथ आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगाना, ये किसान की बहुत ही मित्र दवा है, जो वातावरण में भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, फसल को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। बस ध्यान यही करना कि बड़े बड़े गन्ने में जब पोरियाँ बन जाए तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके पहले एक बार निराई गुड़ाई कर लो, उसके बाद एक बार थोड़ी सी महंगी दवा आती है जो गन्ने पर असर नहीं डालती वो लगा लो, और एक बार इस समय पे ये, तो खेतों में घास होने ही बंद हो जाएंगे। धन्यवाद।